सैमसंग ने S24 अल्ट्रा, S24 और S24 प्लस तीनों लॉन्च हो चुके हैं। टाइटेनियम बॉडी, AI, कैमरे के अंदर भाई, बैटरी के अंदर, डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट्स और भी बहुत सारे एक्साइटिंग अपग्रेड्स करे गए हैं इस बार की सीरीज में। हमने सैमसंग की जितने भी फ्लैगशिप सीरीज वाले मॉडल्स हमने सब ट्राई करके, एंड हर बार कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग आता है। हम आ चुके हैं सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ पे सैमसंग का ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है और इस बार पूरे इवेंट का नाम ही AI था। AI आपके दोस्तों से बात कर सकता है, मतलब कॉल अगर आप मिलाओगे आपके दोस्तों से बात करेगा, फिर उसके बाद चैट में, मैसेजेस में, फोटोग्राफी में और उसके साथ कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, हर चीज में जो जो अपग्रेड्स कर गए हैं, मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस है तो हर चीज आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट जितनी चीजें दिखा सकते हैं वो सारी अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। ये है सैमसंग का नया S24 प्लस। इसमें भाई साइज में ऑफकोर्स फर्क है, बट दोनों में आपको भाई फ्लैट साइड्स देखने के लिए मिलती है। बैक साइड पे आप नोटिस करोगे हल्का सा एक कर्व मिलता है, बट फ्रंट बिल्कुल ही फ्लैट है। दोनों में ही एक एल्यूमिनियम बॉडी है जो हाथ में पकड़ने में काफी सॉफ्ट सी लग रही है। S24 प्लस भी और S24 भी, दोनों में ही भाई चार कलर वेरियंट आते हैं। अब जो पर्सनली येल्लो वाला कलर है, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा गोल्डन ज्यादा फील दे रहा है। साइड से भी आपको थोड़ा सा वैसे दिखने में टाइटेनियम वाली फील देगा, बट है एक्चुअली एल्यूमिनियम ही। जो ब्लैक वाला है ये भी पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है, यानी कि मार्बल ग्रे है जो काफी सॉफ्ट सा ग्रे कलर है। ये पर्पल वाला है थोड़ा सा डार्क फिनिश में है, बट उसके अलावा हर जगह AI, एक्चुअली इवेंट का नाम ही AI रख दिया है। एंड अगर आपने नोटिस करो, हमने भी पर्सनली AI वाले काफी सारे वीडियोस बनाए, काफी सारी चीजें हमने ट्राई करी, हम अपने क्लोन बनाना, अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग टेक्निक्स, एंड AI भाई काफी ज्यादा आगे जा रहा है। एंड ये सेम चीजें इस साल के सैमसंग के डिवाइसेज में एड करी गई। ये वाला स्मार्टफोन आपके दोस्तों से बात कर सकता है, मैंने ट्राई करा था। इसमें जैसे अगर मैं कॉल दबा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट को, तो मैं टाइप करके उससे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ एंड वो बोलेगा। अगर कोई कोरियन भाषा में बात कर रहा है, जैसे एक कोरियन रेस्टोरेंट को मैंने कॉल लगाया, एंड यहाँ पे मैंने भाई को बता दिया हेलो भाई क्या हालचाल, हेलो, तो इसने ऑटोमेटिकली, आप नोटिस करोगे मैंने बस हेलो बोला, इसने ऑटोमेटिकली भाई ट्रांसलेट कर दिया वो पूरा सेंटेंस कोरियन के अंदर, एंड हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट करके दे सकता है। भाई को दाल चावल खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बता दिया भाई मुझे दाल चावल की जरूरत है, मैंने हिंदी में बोला था तो इसने कोरियन में कन्वर्ट कर दिया, एंड जो कोरियन में वो लिख रहा है वो मेरे को ये हिंदी में कन्वर्ट करके सुना रहा। मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे दाल चावल खाना है। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? आगे पीछे बात कर सकता हूँ, कोई चैलेंज नहीं आता। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, एक काफी बड़ा अपग्रेड जो करा गया S24 सीरीज के अंदर। इससे पहले डिस्प्ले आपके इतने टॉप लेवल वाले नहीं आते थे, बट S24 में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा 6.2 इंचेस का, एंड S24 प्लस में 6.7 इंचेस का QHD प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही डिस्प्ले भाई बहुत ही सॉलिड है। कैमरे का सेटअप भी दोनों में सेम है, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपका जो प्राइमरी कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एक और चीज जिसमें काफी बड़ा अपग्रेड करा गया, इस बार S24 में 4000 mAh की बैटरी है और S24 प्लस 4900 mAh की बैटरी है। अब आपका कंफर्टेबली एक दिन चल जाएगा स्मार्टफोन। इन दोनों में आपको Exynos 2400 देखने के लिए मिल जाता है। ये Samsung का अपना प्रोसेसर है। S24 Ultra वाले ऑलमोस्ट सारे AI वाले फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें बैटरी, परफॉर्मेंस, कैमरा, इन तीनों में ही आपको डिफरेंस मिल जाएगा S24 Ultra और इनमें, बट ओवरऑल पूरा ही एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको फील होता है। बट ये है नया S24 Ultra। दिखने में आपको S23 अल्ट्रा जैसे ही लगेगा, बट भाई हाथ में पकड़ने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये पूरा फोन टाइटेनियम से बना हुआ है, मतलब ऐसे बॉर्डर फ्रंट और बैक नहीं, एंड ये डेफिनेटली फील होता है। अगर आप इसकी बिल्ड देखोगे, पूरा ही एक हार्ड रेक्टेंगुलर स्मार्टफोन बना रखा है, मतलब अगर एजेस से देखोगे तो भाई एकदम कोने कोने से आ रखे हैं, एंड बहुत ही नुकीले से कोने। एंड इस बार ऑफकोर्स बेजल्स भी कम कर दी गई, यहाँ पे एक पंच होल भी है वो भी है। उसके साथ साथ अगर मैं गाल पाऊँ, भाई तो डिफरेंट लग रहा है, गोरिल्ला ग्लास आर्मर। बाकी अगर इसका आप UI देखोगे तो काफी सिमिलर सा ही वन UI वाला एक्सपीरियंस आपको देखने मिलता है। छोटे छोटे टचेस हैं, जैसे जो बैकग्राउंड है वो अच्छा सा ब्लर होता है, कुछ कुछ चेंजेस ऐड कर रखे हैं, एंड एनिमेशंस काफी स्मूथ से फील हो रहे हैं। कहीं भी लैग या ऐसा कुछ खास डिले नहीं मुझे देखने के लिए मिला। इस बार आपको चार अलग अलग कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम वायलेट एंड टाइटेनियम येल्लो। वैसे येल्लो की जगह मेरे को गोल्डन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इस बार काफी ज्यादा एक बॉक्सी सा डिजाइन है। अगर इसमें आप डिस्प्ले भी
देखो तो भाई एकदम ही एजेस से भाई एकदम शार्प सा कर दिया गया, हल्का सा एक ईंट वाली फील है, टाइटेनियम की ईंट। साइड्स हल्की सी कर्व्ड है बट बैक पूरा ही फ्लैट है, बैक साइड पे पूरा ही ग्लास लगा रखा है एंड फ्रंट ग्लास भी इस बार पूरा ही फ्लैट कर दिया गया। नीचे की साइड पे आप देखोगे तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे से क्लिक अगर दबाओगे तो एस पेन निकल आएगा आपके लिए। इसमें एक 6.8 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, ऑफकोर्स जैसा सैमसंग का यूजुअली होता है, काफी ज्यादा ब्राइट है, काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। 2600 निट्स इसकी मैक्स ब्राइटनेस है, पिछली बार जो डिस्प्ले था उससे कंपेरिजन में इसमें अच्छा खासा फर्क फील हो रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट पे साइड बाय साइड मैंने कंपेरिजन करा था तो आप देख सकते हो कि भाई एकदम हार्श लाइट के सामने S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा के डिस्प्ले में फर्क लग रहा है, ब्राइटनेस में, कॉन्ट्रास्ट में, इवन जो HDR वाला रेशियो भी होता है ना। और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट है, इतनी तेज तो शायद धूप भी ना है, मतलब दिल्ली में तो आई नहीं थी धूप, पोल्यूशन अपने बादल इतने ज्यादा है। बैक साइड में दिखने में कैमरा सेटअप आपको काफी सिमिलर लगेगा और है भी 4 कैमरे का सेटअप बट पिछली बार से काफी सारे अपग्रेड करेंगे। कैमरे की स्पेसिफिकेशन अगर आपको बताऊं तो एक आपको 200 मेगापिक्सल का आपका प्राइमरी कैमरा है जो मतलब आपकी फोटोज वोटोज खींच के देगा, उसके साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लगा रखा है, एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उससे फोटो खींच भी लेते साथ साथ भाई अपना डन करेंगे बातचीत। बैटरी 5000 mAh है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखो वन UI वर्जन आपका 6.1 दिखाएगा, आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 है। AI वाला आपको ऐसा इसके अंदर नहीं दिखेगा बट आप जब छोटी छोटी चीजें करोगे तब आपको फर्क फील होगा। बाकी जितनी चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे आपको 5G LTE Wi-Fi 7 ब्लूटूथ डायरेक्ट 5.3 सारी चीजें टॉप ऑफ द लाइन मिल जाती है एंड ऑफकोर्स प्रोसेसर भी एक ऐसी चीज है जो इसमें टॉप ऑफ द लाइन ही देखने के लिए मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। ऑफकोर्स वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है सारे स्मार्टफोन के अंदर। मैंने पर्सनली इसके अंदर काफी सारे फीचर्स ट्राई करे जो मेरे को पर्सनली काफी अलग से लगे, जैसे मैंने एक लाइव ट्रांसलेट भी ट्राई करा था, ऑन डिवाइस ट्रांसलेशन हो जाता है, एक इंटरप्रेटर करके भी है। इस फीचर में खास बात यह कि वैसे तो आप बोलोगे भाई गूगल ट्रांसलेट भी तो आता है बट गूगल ट्रांसलेट ऑफलाइन नहीं काम करता एंड आपका सारा डेटा गूगल को जाता है। इसमें अगर आपका डेटा है नहीं है, आप समझ लो दूसरी कंट्री में आपका डेटा भी नहीं चल रहा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को समझाना है तब भी चल जाएगा, आपका ऑफलाइन चलेगा एंड आप बैक एंड फोर्थ बात कर सकते हो काफी कंफर्टेबली। ऐसी AI वाले काफी सारे टेक्स्ट वाले फीचर भी हैं, कैमरे वाले और ज्यादा तगड़े हैं बट भाई धीरे धीरे करके सारे बताता हूँ। चैट वाले में एक फीचर है कि आप समझ लो चैट वैट करो, एक तो आप पूरा चैट को ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको करना है एक डायरेक्ट आपका ट्रांसलेशन हो जाता है डायरेक्टली फोन से ही एंड उसके बाद अगर आपको अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर, ये ऑटोमेटिकली आपका राइटिंग स्टाइल चेंज कर देगा। समझ लो बॉस को भेजनी है तो डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा, माशूका को भेजना तो अलग स्टाइल आ जाएगा अपने, तो ये सारे स्टाइल्स इसमें आ जाते हैं। और मेरे को कूल चीजें लगी कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप समझ लो ईमेल में आपको टाइप करके चेंज करना है वहां पे भी कर सकते हो, आप गूगल क्रोम पे मैंने आपको दिखाया ये देखो मैंने डाला था नीचे इमोजी इमोजी भी आ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी हो जाता है। ये मेरे को थोड़ी सी कूल सी चीज लगी कि मतलब कहीं पे भी मतलब आपको चैट GPT नहीं खोलना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से एटलीस्ट राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज और है, इसमें सैमसंग नोट्स अगर आप यूज करते हो, अगर आपने कुछ भी नोट वोट लिखा उसकी पूरी समरी बना देगा, इसको अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो कर देगा, या फिर आपको नोट्स में पूरा कन्वर्ट करना एकदम आप ऐसे गंदा गंदा आप लिख देते हो कुछ भी आंख बंद करके उसको पॉइंट्स में करके पूरा एकदम प्रेजेंटेशन बना के पूरा अलग अलग स्टाइल में ऐसे ब्लू ग्रीन कलर रेड में लगा रखे पॉइंटर वॉइंटर लगा के ये सारा पूरा एक ही बार में कर देगा तो ये भी काम आ जाता है। इसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग को भी ट्रांसलेट करने वाला ऑप्शन है, जैसे आप समझ लो आप कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग आपने करी है, कोई मीटिंग रिकॉर्ड करी है, कुछ भी बोला, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला तो इसको ऑटोमेटिकली इसकी ट्रांसक्राइब मतलब जो आपने बोला उसको लिखित में बता देगा और उसको आपको समरी निकालनी चीजें करनी है वो सारी चीजें हो जाती है। जितने भी मैंने फीचर्स बताए ऑलमोस्ट 90% जो AI फीचर्स हैं वो डिवाइस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे चैट GPT में काफी सारे लोगों को डर होता है भाई डेटा हमारा बाहर जा रहा है या फिर कोई और जो AI अभी सर्विसेज हैं जितनी भी हैं सब में आपका डेटा बाहर जाता है और आपका डेटा यूज हो रहा है। इसमें सारा डेटा फोन के अंदर ही है, बस एक दो इमेजेस वाले हैं जनरेटिव AI जिसमें एक्चुअली क्लाउड का यूज होता है बट बाकी सब में भाई फोन से डायरेक्टली हो रहा काम। एंड उसके अलावा नॉक्स का भी मैट्रिक्स एक उन्होंने ऐड कर रखा है, उसमें बेसिकली थोड़ा प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है। और भाई सबसे ज्यादा कूल फीचर्स मेरे को पर्सनली लगे इसके कैमरे के अंदर, इसमें कैमरे में काफी नेक्स्ट लेवल AI वाली चीजें ऐड कर रखी है। सबसे पहले जब आप फोटो खींचते हो तो AI को यूज करके डिटेल्स को एनहांस कर देता है, कलर्स को काफी इंक्रीज कर देता है। एक मेरे को और काफी कूल चीज लगी, ये मेरे को पर्सनली AI का सबसे बेस्ट फीचर है, ये आप कोई भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करी आपने उसको अगर आप गैलरी में जाके लॉन्ग प्रेस कर रहे हो तो एक्चुअली वो वीडियो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जितना पार्ट आप उसको टैप एंड होल्ड करके रखोगे
वह स्लो मोशन में आता है। मैं एक अंदाजे के लिए बताऊं तो एक अच्छा महंगा लैपटॉप भी ये वाला काम थोड़ा सा मुश्किल से कर पाता है, और ये डायरेक्टली फोन के ऊपर कर पा रहा है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मैं आपको एकदम अगर सीधा सीधा बताऊं, स्मार्टफोन्स में ना बहुत ज्यादा अपग्रेड करने के लिए चीजें रही नहीं गई। कैमरा स्मार्टफोन्स के एकदम ही टॉप ऑफ द लाइन है, बैटरी भी इससे ज्यादा बढ़ाना इतने कम स्पेस में पॉसिबल नहीं है, फिर परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप ऑफ द लाइन, सारी चीजें धीरे धीरे ही बढ़ रही है ओवर द ईयर। बट एक चीज है जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वो है AI। और इन स्मार्टफोन्स में जो AI वाले फीचर्स हैं, चाहे अभी कम फीचर्स डाले हैं बट जो फीचर्स डाले हैं वो डेफिनेटली भाई काफी सॉलिड काम करते हैं। बट हाँ भाई, डेफिनेटली ये सीरीज काफी इंप्रेसिव लग रही है। अभी फुल रिव्यू बनाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे। लेट्स गो।